देखिए, इंदौर में आयोजित पहले महिला लेखिका साहित्य समागम को लेकर प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत नागर से घमासान.com की विशेष बातचीत। नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, संपादक घमासान.com। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने साहित्यकार सूर्यकांत नागर जी, जो इंदौर में ही रहते हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे आज के आयोजन को लेकर। आज जो कार्यक्रम हुआ वामा क्लब का और घमासान.com का, ख़ास करके महिलाओं पर केंद्रित, उनके विविध समस्याओं को लेकर, उनके लेखन और रचनाकर्म को लेकर, निश्चित ही ये बहुआयामी था और कुल मिलाकर वो बहुत सफल रहा। वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किए वो निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होंगे और स्त्री जीवन को एक बेहतर जीवन बिताने में सहायक होंगे, खास करके लेखन के क्षेत्र में। जहाँ तक कुछ बातें जो बाहर आई वो ये थी कि महिलाओं को निश्चित ही उनका पहला दायित्व घर परिवार है, लेकिन उसके बावजूद उनको उससे बाहर निकल कर आना चाहिए और बात हमेशा बराबरी की होना चाहिए, सम्मान की होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की नहीं होना चाहिए। पुरुष लेखन हो या स्त्री लेखन हो, लेखन लेखन होता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई। हालांकि इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, क्योंकि जो एक स्त्री की संवेदना होती है, स्त्री की जो तकलीफ होती है, वो शायद हर पुरुष उसको उस रूप में नहीं समझ सकता। कई बातें ऐसी होती है जो केवल स्त्री ही जानती है, वो स्त्री ही उसको व्यक्त कर सकती है। पुरुष के लिए कई बार मुश्किल होता है, जिस संवेदना से एक स्त्री गुजरती है, जिस तकलीफ से, जिस संघर्ष से, जिस जीवन से, जिस अनुभव से वो गुजरती है, वो तो ये अनुभव ये अनुभव की प्रामाणिकता वाली बात भी कल उषा किरण जी ने कही थी, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ये बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक आप खुद अनुभूत नहीं करते हैं ना, तब तक उसको उतनी ही गहराई से व्यक्त नहीं कर सकते। एक आंचलिक कथाकारों की बात हुई, आज आंचलिक कथाकारों की बात हुई, बहुत अच्छी बातें कही गई, लेकिन उसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, और आंचलिक शब्दों का उपयोग है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये हमारी हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा को ज़्यादा समृद्ध बनाती है, और हमारा सारा जो साहित्य है वो एक तरीके से लोक साहित्य से ही आया हुआ है। ये सारी बातें सही है, और जितने मुहावरे वगैरह बताए किस तरह से हिंदी में भी उपयोग में आते हैं और वो हमारे लिए किससे उपयोगी है, लेकिन सवाल ये है कि आंचलिक जो लेखन हो रहा है ना, वो केवल वही प्रामाणिक होता है जो लोग, जो लेखक गाँव से, अंचल से जुड़े रहते हैं। 5 सितारा होटल में बैठकर आप एक ग्रामीण कथा को पूरी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता से नहीं सकते। जो जिसने कभी गांव देखा ही नहीं, वो गांव का कैसे चित्रण करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक लेखक ये कह सकता है कि शाम के समय कैसे गायें लौट कर आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शाम के समय जब गाय या भैंस लौट कर आती है तो वो गाँव के गोबर लिपे दीवार से किस तरह से अपनी पीठ रगड़ती है, उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता। चौपाल पर जो चिलम पीते हुए जो बात होती है, गप्पे लगाई जाती है, उसका उसको अंदाज़ नहीं है। पनघट पर जो होती है उसका अंदाज़ नहीं है। तो अंचल और जो लोक साहित्य तो निश्चित ही हमारी पूरी धरोहर है, वहीं से सारा, चाहे जितनी भी कला है, संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे लेखन हो, चाहे साहित्य हो, वो सारी कलाओं का जन्म तो लोक कलाओं से ही हुआ आज के जो साहित्य में है। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ निकल कर आई हैं, और इसकी सफलता की मैं के लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।